मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के पास गोली चली है, बताया जा रहा है। मंत्री के गनमैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं एक आरोपी फरार हुआ है, बताया जा रहा है। कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गोपालगंज थाने के तहसील क्षेत्र में देर रात ये पूरी घटना घटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री गोविंद राजपूत के बंगले के पास गोली चली है और मंत्री के गनमैन ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, मंत्री गोविंद सिंह के घर के पास गोली चली, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर आपके पास? ये देर रात की घटना बताई जा रही है गोपालगंज थाना क्षेत्र में, जहां इनका बंगला है क्रिश्चियन कॉलोनी इलाके में। ये बताया जा रहा है कि रात को कहीं से जब मंत्री लौट के आए तो फालो वाहन की रास्ते में कुछ युवक वहां पर कॉलोनी के खड़े हुए थे, जिनसे कहां सुनी हुई मंत्री को घर छोड़ने के बाद जब फालो वाहन लौट के आ रहा था, तब ये बताया जा रहा है कि उन लड़कों ने जो है उस फालो वाहन में और जो मंत्री के स्टाफ के लोग बैठे हुए थे उन पर फायर किया है। इसकी रिपोर्ट जो है गोविंद राजपूत मंत्री के गनमैन ने जो है गोपालगंज थाने में की है, और पुलिस ने रात में ही जो है दो युवकों को पकड़ लिया था और उनसे एक कट्टा भी जब्त कर लिया है और 5 राउंड के कारतूस हैं और चली हुई कारतूस भी पकड़े हैं। उसमें एक युवक जो है एक मूसा लिंकन नाम का, वो फरार बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल में जो फौरी तौर पर जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ये घटना हुई है। अभी पुलिस का स्टेटमेंट आना बाकी है, एसपी से बात हुई है, उनने घटना की पुष्टि तो की है, लेकिन कारण और सारी जो चीजें हैं वो कुछ देर बाद सामने आ जाएंगी। जी, चलो, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमेश।